पास ही लाने और गिफ्ट लाने चलते हैं। चलो हे गाइस नमस्ते, मैं सूरज योजी माय वीडियो ने क्लिक ऑन ब्लॉग। तो गाइस मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। गाइस मैं कह रहा था कि आज बहनों का दिन है, मैं बहुत भाई लोग की जेब खाली रहते हैं और आज मेरे जेब में थोड़े से मनी है। तो गाइस मैं सोच रहा था भाई लोग गिफ्ट लेना है, गिफ्ट ला दी उन्हें लाया और मैं लेट होकर बाहर चला गया था। अभी मैं आया 3 बजे 3 के 4 बज रहे हैं। तो गाइस मैं कह रहा था कि चलो चलते हैं ब्लॉग गिफ्ट लाने के लिए, क्योंकि मेरा जो आइडिया था गिफ्ट लाने का वो मेरे भाई ने ले लिया आइडिया और उसने ला लिया सुबह सुबह जाके 11 बजे तक। तो फिर मैं लेट हो गया। तो गाइस चलो चलते हैं, देखते हैं, मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या गिफ्ट देने का। तो देखते दुकान में जाके अलग इलेक्ट्रिक टू अलग मतलब जो चॉकलेट सभी देते हैं, पर हम कुछ सोच रहे हैं देने के लिए। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं वहाँ पे। चलो गाइस फिर चलते हैं काफ़ी लाने और गिफ्ट लाने चलते हैं। चलो गाइस नीरज है, देखो यहाँ पे ये जा रहा है गिफ्ट लेने। तो चलो देखते हैं क्या मिलता है, चल चल आगे चल फटाफट। देखो जा रहा है इसका कॉफी शॉप, देखते क्या क्या मिलता है इधर। तो गाइस ने आखिरकार गिफ्ट ले लिया है, देखो क्या बता ना, मुझे क्या बता, मेरा तो हो गया। तब चलते देखते क्या लेंगे। ये कौन सी है, एलमंड की ट्रीट। कुछ ना समझ में आने के बाद गिफ्ट ले चुका है और भी अब कुछ लेने को बोल रहा है अभी, तो देखते हैं क्या ले रहा है। देखते फिर चलते हैं। चलो भाई फिर चलते हैं और देखते क्या मिलता हूँ। घर चले गिफ्ट रैप कराने की नहीं, काहे को कराने का है ना डायरेक्ट। तो हे गाइस गिफ्ट हम लोग ला चुके हैं और हम लोग रख दिया गिफ्ट और अभी हम टाइम भी हो रहा है, 7 बज चुके हैं। अभी कुछ स्वीट्स लाना है क्योंकि मतलब बहन हमारी छोटी है ना, तो कहीं जाती जाती नहीं बाहर, तो चलो फिर स्वीट्स लाने चलते हैं। गाइस हमने मिठाई ले लिया है, चलो चलते हैं।
20 minutes later. गाइस खाने में मिठाई ला लिया है, तो चलो फिर राखी सेलिब्रेट करते हैं। तो गाइस चलो फिर राखी सेलिब्रेट करते हैं और कुछ कपड़े चेंज करके आए हैं। हे गाइस चलो फिर चलते हैं सेलिब्रेट करते हैं। When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. फ्रेंड्स बच्चे लोग कहो गया है अभी इन लोग की बारी चालू हुई। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने रात को 8 के बाद क्यों सेलिब्रेट किया रक्षाबंधन। इसके पीछे कारण क्योंकि हमारे में मतलब मानते हैं कि काल भद्र लगा था मतलब कुछ दिन सुबह टाइम में, कि सुबह के टाइम में रावण मतलब आज के दिन ही रावण सुबह के टाइम में ही मारा गया था। तो इसलिए फ्रेंड्स 8 बजे बाद हमने सेलिब्रेट किया रक्षाबंधन। तो फ्रेंड इस तरह हमने सेलिब्रेट किया मतलब इसके पीछे कारण इसलिए सेलिब्रेट किया रक्षाबंधन ये टाइम पे। चलो फिर यही ब्लॉग एंड करते हैं, बुलाते हैं भाई लोग को ब्लॉग एंड करते हैं। चलो फ्रेंड्स कुछ ऐसे हमने सेलिब्रेट किया आज का रक्षाबंधन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और कल मैंने एक ब्लॉग डाला था पावन लेख, ब्लॉग का नाम है पावन लेख, तो उसमें भी आप प्लीज विजिट करें और प्यार दिखाएं अपने मतलब वीडियो में। तो चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।